इंडिकेटर देना चाहिए था ना। अरे अरे देख के बाइक चलाइएगा, तो ठोक देते तो क्या होते। गाइस यहाँ पे बोट पे दिखा रहा है मैसेंजर डैम, वेलकम टू मैसेंजर डैम। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू। मतलब गाइस वहाँ पे ना बारिश हो रहा है अभी। ऐसा रोड देखने के बाद दिल पूरा गार्डन गार्डन हो चुका है भाई। इतने देर से भाई बाइक चला रहा था, बोर हो रहा था, अभी देखो गाइस लगता है पहाड़ में आ चुका हूँ। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू गाइस, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। तो मैं अभी हजारद्वारी के अंदर एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरा भाई लोग फैन लोग देख सकते हो, हाय कर दो सब लोग। अब सब्सक्राइबर्स लोग अगर आके मतलब सेल्फी वगैरह कुछ भाई कुछ भी ले, भाई अच्छा ही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। यो फाइनली गाइस, इतने समय के इंतजार के बाद देखा ड्रोन उड़ा है यहाँ पे, तो परमिशन नहीं था। हम लोग आ चुके हैं भाई मैसेंजर डैम। भाई कभी सोचा नहीं था कि मैसेंजर डैम भी आऊँगा भाई राइड पे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ओके। हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश शुरू हो चुका है ना गाइस, मतलब अभी हम लोग सब लोग देखो गाइस भीग चुके हैं पूरा एकदम से। यहाँ पे भी देख सकते हो सब लोग पूरा भीग चुके हैं। सो ऑल राइट गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द बाइकर बॉय दीपू। सो गाइज मतलब बहुत ही दिनों के बाद एक छोटा मोटा 250 किलोमीटर का प्लान हुआ है हमारा राइड का। सो अभी भाई मंडे का मतलब टाइम हो रहा है सुबह के 5, और गाइज हम लोगों का राइड ना बेसिकली स्टार्ट होने वाला है भाई शांतिपुर से। और गाइज हम लोग है अभी भाई शांतिपुर में ही, तो गाइज चलो शांतिपुर से हम लोग अभी जाएंगे फिलहाल तारापीठ, और गाइज तारापीठ से भाई मैसेंजर। तो गाइस चलो देखते हैं कौन सा डिस्टेंस हम लोग कितने मतलब टाइम में कंप्लीट करते हैं। और गाइस चलो वीडियो पे लास्ट तक जरूर से ज़रूर बने रहना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेरा जो बाइकर बॉय दीपू का जो चैनल था उसमें मैं वीडियो देना बंद कर दिया हूँ। और गाइस मेरा जो शॉर्ट का चैनल है उस पर गाइस सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा है, तो गाइस मैं आज से उसमें ही मतलब वीडियो दूंगा। तो चलो गाइस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है भाई सपोर्ट दे देना। तो फिर चलो गाइस चलते हैं। और सो ऑलराइट गाइस हम लोग सब एक साथ हो चुके हैं, और गाइस हमारे सामने देख सकते हो 160 R15 KTM 200 वो है 150cc का, और वो भी है R15 भाई 150cc का। मतलब तीन हमारा छोटा सुपर बाइक है और भाई दो नेकेड है, ठीक है, मतलब इन लोगों को ही मतलब सुपर बाइक मान लो। तो फिर चलो गाइस हम लोगों के पीछे गाइस ये हम लोगों का राइडर्स मतलब देख सकते हो। तो सब लोग आज ठीक से राइड करना, ऑल द बेस्ट, ठीक है, मतलब स्लोली स्लोली राइड करेंगे। तो फिर चलो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से रोड पे। तो गाइस सुबह सुबह राइड करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना भाई, आप लोग गाइस रोड देख के ही मतलब क्लियर हो सकते हो कि सुबह राइड करना कितना ज़्यादा सेफ होता है और भाई कितना ज़्यादा मतलब मज़ेदार होता है, क्योंकि रोड पूरा एकदम से खाली होता है। और मेरे पीछे की तरफ मेरा पूरा टीम आ रहा है अभी भाई, इस पीछे देख सकते हो। तो गाइस हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है भाई भटजंगला पेट्रोल पंप, क्योंकि वहाँ का जो पेट्रोल है ना भाई वो एकदम से पूरा नेचुरल और क्लियर होता है। तो भाई मतलब अभी प्रीमियम डलवाने वाले हैं क्योंकि हम लोग अभी लॉन्ग में जाने वाले हैं। तो फिर चलो गाइस पेट्रोल पंप पे मिलता है आप लोगों से। तो ऑलराइट गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं प्रीमियम गुंडा। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ का पेट्रोल बहुत अच्छा है, यहाँ का पेट्रोल बहुत अच्छा है। तो गाइस चलो देखते हैं पेट्रोल कितना है, अच्छा है प्रीमियम तो अच्छा कर दो फुल टैंक कर दो। হ্যাঁ প্রিমিয়াম কত করে? প্রিমিয়াম 113 টাকা 42 পয়সা লিটার। 113 রুপে যাচ্ছে যাচ্ছে 42 পয়সা। চলো দেখতে কিতনা লিটার পেট্রোল আতা হ্যায় ইসমে। मुझे ना अभी मतलब थोड़ा छोटा मोटा सा डर लग रहा है फुल टैंक करवाने के बाद, मतलब फुल टैंक करवाने के बाद भाई राइड नहीं करता है, और लिटरली मैं भाई वही कर रहा हूँ। मतलब क्या यार, मतलब सोच कहाँ पे गया हुआ है। और गाइस पीछे देखो भाई एकदम से कीचड़ वीचड़ लग गया पूरा एकदम से भाई, नंबर प्लेट इसका हालत भी पूरा पूरी ख़राब है। हाय इंडिकेटर कहाँ गया। फ्यूल अप करवाने के बाद एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो है भाई अपना मीटर, मतलब अपना मीटर को गाइस देख सकते हो
एकदम से पूरा फुल टैंक होकर रखा है। मतलब बहुत ही दिनों के बाद बाद भाई फुल टैंक करवाता हूँ भाई, दिल को सुकून मिलता है ठीक है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है बहरमपुर टोल प्लाजा। तो गाइस बहरमपुर टोल प्लाजा पे हम लोग रुक के थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे। मतलब सभी लोग मतलब घर से निकलने के बाद ना कोई भी कुछ भी नहीं खाया, तो गाइस भूख भी बहुत ही ज़्यादा लग चुका है। और गाइस मुझे अभी लीड पे रखा हुआ है क्योंकि मैं सब लोगों को लीड देते देते लेके जाऊंगा। अभी भाई 71 और 71 से भाई 70 से 80 किलोमीटर का एवरेज रखने को बोला है मुझसे, तो फिर चलो मतलब 70 to 80 पे क्रूज करते हैं हम लोग हमारा बाइक। और गाइस आप लोग मतलब वीडियो का मज़ा लो। नगर का फ्लाईओवर है ये, तो गाइस जितने भी बंदे भाई कृष्ण नगर से देख रहे हैं प्लीज़ गाइस लाइक कर देना। मुझे पता है भाई 100 से ऊपर व्यू नहीं जाएगा, चलो कोई बात नहीं छोड़ दो सब कुछ और गाइस व्यू का मजा लो थोड़ा। मतलब हमारे वहाँ पे भी फ्लाईओवर है और गाइस यहाँ का फ्लाईओवर भाई कुछ तो बात है भाई, वीडियो देख रहे हो कुछ तो बताना पड़ेगा ही ना आप लोग। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पानी पानी हो गया। वाओ गाइस क्या लग रहा है भाई, चांस मिला तो भाई थ्रॉटल, हाँ चांस मिला तो भाई थ्रॉटल क्या। जैसे राइड करते करते ना मुझे अभी सिक्किम का फीलिंग्स आ रहा है क्योंकि वहाँ पे एक बैनर था, एक बोर्ड था, वहाँ पे सिलीगुड़ी लिखा हुआ था। तो गाइस हम लोग भी सुबह के 5 बजे निकले थे और गाइस शाम के 7 बजे मतलब सिलीगुड़ी पहुँच गए थे। तो यही बात मुझको अभी मालूम रहा है, मतलब अगर भाई हो पाता, अगर गाइस सिचुएशन हो पाता तो गाइस यही बाइक से फिर से मैं सिक्किम राइड के लिए मतलब एकदम से पूरा प्लानिंग वगैरह सब कुछ रेडी होने के बाद निकल जाता। क्योंकि हम लोगों का नवंबर में भाई प्लानिंग हो रहा है सिक्किम, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सब लोगों के घर से भाई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही रहता है। तो ऑलराइट गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बहरमपुर टोल प्लाजा। गाइस हमारे सामने गाइस बहरमपुर टोल प्लाजा देख सकते हो। और गाइस हम लोगों का ना बहुत ही ज़्यादा भूख लगा हुआ है यहाँ पे, तो गाइस चलो खाना पीना वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। और गाइस मतलब हम लोगों का एक प्रॉब्लम भाई बहुत ही देर से हो रहा है जो कि है यहाँ पे भाई बारिश होके रखा है ना भाई, बारिश की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। चारों तरफ देखो भाई बारिश का पानी और पानी, और सभी लोगों का भाई गाड़ी का एकदम से मतलब पिछवाड़ा खराब हो चुका है। ये देखो गाइस यहाँ पे पूरा धूल मिट्टी, ये देखो भाई बैक का हालत चिक्कड़ भाई। भाई विंटर सीजन इज द बेस्ट सीजन ऑफ बाइक राइड या फिर जो कुछ भी हो ठीक है। तो फिर चलो गाइस जल्दी से चलते हैं और निकलते हैं। हम लोगों को अराउंड अभी भी 60 किलोमीटर रन करना पड़ेगा हजारद्वारी पहुंचने के लिए। तो गाइस हर घंटे के अंदर हम लोग हजारद्वारी पहुंचने वाले हैं, तो मैं भाई लीड में था, चलो गाइस लीड में आ जाते हैं। और फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हजारद्वारी। ए कौन था ये दिख ना वो दिख। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके थे मुर्शिदाबाद में, और यहाँ पे आने के बाद ना भाई हजारद्वारी में आए थे हम लोग। और यहाँ पे भाई सुबह से भाई बारिश हो रहा है, मतलब हम लोग जब तक यहाँ पे राइड कर रहे थे तब तक भाई कुछ भी मतलब बारिश का कुछ भी इश्यू नहीं था। अभी गाइस हमारा बाइक वहाँ पे पार्किंग हुआ है और ये रहा मेरा बाइक। अभी मेरा बाइक का यहाँ पे भाई नंबर प्लेट टूट गया, गाइस निकल चुके हैं बारिश में। अभी यहाँ पे बारिश भी बहुत धमाकेदार हो रहा है, चौपी चलो ए शुभ चलो निकलते हैं। तो मैं अभी हजारद्वारी के अंदर एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरा भाई लोग फैन लोग देख सकते हो, हाय कर दो सब लोग। तो ये रहा तुम्हारा घर कहाँ पे, तुम लोगों का घर कहाँ पे? सारगाची मुझको तो नहीं मालूम। चलो गाइस अभी पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को। ए बाय बाय, वीडियो देखोगे हाँ, वीडियो को लाइक भी करोगे ठीक है, चलो बाय गाइस। मतलब घूमने आने के बाद अगर मतलब कोई अगर मोटिवेट कर सकता है तो वो भाई फैन लोग है ठीक है। मतलब सब्सक्राइबर्स लोग अगर आके मतलब सेल्फी वगैरह कुछ भाई कुछ भी ले और अगर बोल दे कि मैं तुम्हारा मतलब मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो भाई अच्छा ही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। यो चेक करो गाइस पीछे क्या है भाई, मतलब मैं जब छोटा था ना तब आया था यहाँ पे और नेक्स्ट टाइम अभी आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस हम लोगों का अभी भी 150 किलोमीटर का राइड अभी भी पूरा एकदम से बाकी है और तो अभी हम वो छत पे जाने वाले हैं। छत पे अभी टेंशन भी हो रहा है, ऊपर से मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या करेंगे हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा। तो गाइस चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोगों का मतलब घूमना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और गाइस यहाँ पे भाई अंदर पे वीडियो नहीं करने दिया। तो गाइस अभी चलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सकते हैं चलते हैं और गाइस निकलते हैं क्योंकि हम लोगों को और भी भाई 150 किलोमीटर अभी भी चलाना बाकी है।
तो गाइस चलो, ए गाइस चलो 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 जल्दी से निकलो निकलो निकलो। तो लिटरली गाइस हम लोगों ने प्लानिंग किए थे कि यहाँ से मतलब नाव पकड़ के उस साइड पे जाएंगे, उसके बाद हम लोगों का राइड स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सब लोगों के पास से सुनने के बाद हम लोगों को मालूम हो रहा है कि मतलब यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़राब मिलेगा उसके बाद से, मतलब घाट पार होने के बाद से, ठीक है, उस पर जाने के बाद से। तो नदी के उस पार से, अरे भाई यहाँ पे लाइक मर रहा है भाई। सो फिलहाल गाइस यहाँ का सीन देखने के बाद हम लोगों को सिर्फ यही मालूम हो रहा है कि मतलब हम लोग बीरभूम या फिर सिवड़ी पहुँच चुके हैं। और गाइस क्या ही औसम सा एक मतलब नज़ारा लग रहा है। वाओ गाइस चारों तरफ देख सकते हो भाई पेड़ पौधे, कितना ही अच्छा लग रहा है, औसम लग रहा है। गाइस ऐसा रोड देखने के बाद दिल पूरा गार्डन गार्डन हो चुका है भाई। अरे बाप रे क्या रोड देख लिया भाई यार, इतने देर से भाई बाइक चला रहा था, बोर हो रहा था, अभी देखो गाइस लगता है पहाड़ में आ चुका हूँ भाई साहब। यहाँ का रास्ता भाई, रास्ता तो क्लियर है, वहाँ का जमीन देखो यार, मतलब पूरा मतलब पहाड़ जैसा लग रहा है ना, मतलब ऐसा पूरा बेपट्टा होच्छे ओखान से के पूरा नीचे दिखे। ओ काका इंडिकेटर दे दिला, ए क्या इंडिकेटर देना चाहिए था ना। अरे तो साइड से ही जा रहा था ना, क्या बोल रहा है क्या? अरे देख के बाइक चलाइएगा तो ठोक देते तो क्या होते, क्या बोल रहे हैं? अरे मैं आपको बोल रहा था थोड़ा ध्यान से देखिए ना, इंडिकेटर तो मार सकते थे आप। ये सब हम क्या देख रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपको जाना है, ठीक है जाइए, आप बोले हैं ठीक है जाइए जाइए। अरे थोड़ा ध्यान से, मैं तो ध्यान से जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, आप पीछे से आ रहे हैं, आप ना हेलमेट है ना क्या है, कैसे ध्यान से जा रहे हैं? ठीक है सर कुछ भी। अरे चलो चलो चलो, अरे अभी कुछ हो जाता यार। अजीब 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 किस्म का है भाई। अरे गाइस आप लोगों ने तो देख ही लिया है, मतलब क्या यार, मतलब सेफ राइड कर रहा था भाई, अचानक से ऐसे घुसा दिया भाई, कुछ भी हो जाता भाई। तो गाइस अभी हो रहा है यहाँ पे बारिश, ठीक है, और यहाँ पे पोल्यूशन के मतलब बात करूँ तो भाई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, मतलब एकदम से देख सकते हो भाई, वहाँ पे बारिश हो रहा था, यहाँ पे गाइस बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है। इन लोगों को मैं पहले से ही बोल रहा था कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, फिर भी वहाँ पे रुके हुए थे। राइडिंग का कोई अच्छा सा मतलब एक्सपीरियंस मैंने पहले टाइम ही कर लिया था सिक्किम राइड के समय, तो आज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसलिए। गाइस दिस इज द झारखंड भाई, दिस इज द झारखंड, मतलब भाई एक बार के लिए भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मैं किसी अलग जगह पे आ चुका हूँ भाई। इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है ना भाई, वेस्ट बंगाल से तो अच्छा ही है भाई, यहाँ का पोल्यूशन कम है, उसके ऊपर से भाई मतलब जिधर ही देखो ना उधर ही मंदिर है भाई, और इतना ज़्यादा मंदिर के अंदर भाई अच्छा रोड है, साइड का व्यू भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और जब भी मतलब क्या बताऊँ, मतलब बोर नहीं हो रहा, जब तक मैं देख रहा हूँ ना तब तक भाई मन पूरा भर जा रहा है। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, मतलब गाइस वहाँ पे ना बारिश हो रहा है अभी, तब जितना ही बोलूँ ना उतना भाई कम है इस व्यू के सामने। तो गाइस मुझको अभी थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि मैं भाई सिक्किम आ चुका हूँ, और गाइस देख सकते हो यहाँ पे पहाड़, वहाँ पे पहाड़, वहाँ पे बारिश हो रहा है, और गाइस मिडिल से जो रास्ता जा रहा है ना, इस जगह का वाइब्स मैं आप लोगों को बता नहीं सकता भाई, मतलब क्या ही औसम लग रहा है। मतलब लाइफ में एक बार हो तो भाई, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल के ठीक साइड में ही झारखंड है भाई, झारखंड में आ जाओ यार, कितना औसम है यार, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के मैं यहीं पे सेटल हो जाऊँ। तो गाइस यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहा है मैसेंजर डैम, वेलकम टू मैसेंजर डैम। चलो गाइस अभी इंतज़ार नहीं हो रहा मैसेंजर डैम देखने के लिए, मतलब हर बार की तरह मतलब मैं ये फ़ोटो में दिखा था या फिर सब लोगों के मुंह से मतलब बात सुना था, आज भाई पहली बार हो रहा है ऐसा।
तो फाइनली गाइस इतने समय के इंतजार के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं भाई मैसेंजर डैम। भाई कभी सोचा नहीं था कि मैसेंजर डैम भी आऊँगा भाई राइड पे। मतलब हमारे घर से 200 से 250 किलोमीटर दूर है, 200 से 250 किलोमीटर दूर है। और गाइस मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आऊँगा अभी। ये कैमरा, अरे তোমাদের এখানে ড্রোন উড়ানো যাবে তো? পারমিশন নিতে হবে। এবারে কে যদি কেউ চাও করে চলে আনকে এমনি তোমার চলে আসবে না ভিডিওতে? না না ওই পারমিশন নিতে হবে। ড্রোন উড়তে দেয় না প্লিজ। এখানে ড্রোন উড়াতে দেবে না। এর মধ্যে দিয়ে উড়ালে অসুবিধা হবে। বাইরে দিয়ে উড়াও। বাইরে উড়াও। তুমি পাহাড় থেকে লুকু লুকু উড়াও কেন কেউ দেখতে পাবে? তোমার কাজ মনে এলাও নেই নাকি একদমই? এলাও নেই। থানা থেকে পারমিশন নিতে হয়। এই ভাই করিস না। আর তো সিল করতে এত দাম। কিন্তু আমার আমার ড্রোন তো রাউটারেই আসে না। হ্যাঁ তো মিনি সাইজ ড্রোন। ওটা তো মিনি তো। হ্যাঁ মিনি তো হবে। হ্যাঁ বড় ড্রোন না, এই এইটুকু ড্রোন, ওর সমস্যা হবে না। হ্যাঁ দাদা যদি কিছু আছে। দাদা ড্রোন মানুষের জিনিস তো দেখতে পাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ। ড্রোন তো আছে। কিন্তু ওটা তো উপরে তো এই এই পাহাড়টার পর চলে আসবে। হ্যাঁ ওখানে দেখা যাবে না। আপনি এই এরিয়াটা কভার হবে। কবে করে দাও। একটু ওই সাইড থেকে তুলছি। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। মানে আমাদের বলে দাও বলে দাও। এই সাইডে খালি ভিড় আছে আপনি চলে যান। আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে গার্ড পার কেউ যায় না। ওকে अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मतलब मैं यहाँ से ड्रोन उड़ाने के लिए बोल रहा था और इन लोगों ने मना कर दिया पहले ही, और उसके बाद बोला कि यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हो लेकिन मतलब बहुत ही कम समय के लिए, अगर कोई नहीं देखेगा तो बहुत ही अच्छा होगा और कोई देख लेगा तो भाई ख़राब हो जाएगा, मतलब सीन ख़राब हो जाएगा। और उसके ऊपर से भाई मेरा मिनी ड्रोन है। तो फिर चलो गाइस आप लोगों को मिनी ड्रोन का अभी फुटेज देते हैं। चलो चलते हैं और आप लोग एंजॉय करो ड्रोन का फुटेज। तो फिर चलो फाइनली गाइज ड्रोन फुटेज लेते लेते मतलब हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश शुरू हो चुका है ना गाइज, मतलब अभी हम लोग सब लोग देखो गाइज भीग चुके हैं पूरा एकदम से। यहाँ पे भी देख सकते हो सब लोग पूरा भीग चुके हैं। यहाँ पे जो सब था भाई सब कुछ भीग चुका, मतलब मेरे GoPro के फुटेज में भी आप लोगों ने देख ही सकते हो कि पूरा एकदम से सब कुछ पूरा भीग गया हुआ है। और मैं आप सभी को दिखाता हूँ गाइज वहाँ पे बारिश हो रहा है एकदम। और गाइज आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकलने वाले हैं तारापीठ के लिए। तो गाइस तारापीठ यहाँ से पहुँचने में अभी भी लगभग 60-70 किलोमीटर अभी भी बाकी है। तो गाइस हम लोग ट्राई करेंगे जितनी जल्दी हो सके। हम लोग अभी मैसेंजर से निकलने के बाद पूरा सीधा एकदम से जाएंगे तारापीठ मंदिर। और गाइस तारापीठ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को शायद अभी कितना बजेगा भाई, मतलब टाइम तो हो जाएगा भाई 7-8 बजे मतलब बच जाएगा। चलो गाइस देखते हैं कितना बचता है। तो फिर चलो बाय बाय झारखंड। ठीक। और गाइस यहाँ पे पेट्रोल डलवाने का एक सही उपाय बोलता हूँ, 500 रुपये दो। मतलब वेस्ट बंगाल से भाई यहाँ पे 4-5 रुपये कम मिलता है। तो चलो मैंने सोच लिया कि चलो 500 रुपये का पेट्रोल ही डलवा लेते हैं। क्या सब लोग भाई भर भर के पेट्रोल डलवा लिया। और इसके बैग में 2 लीटर का एक मतलब बोतल था वो भी भरवा लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 रुपये का कम है। ठीक है, लेकिन अभी ये बोल रहा है शांतिपुर से यहाँ पे आके अभी पेट्रोल डलवाएगा गाड़ी। और भाई यहाँ का रास्ते का हालत चेक करो भाई, ये देखो भाई, अरे बाप रे बाप, एक एक जगह पे क्या, अरे बाप रे ये क्या है भाई, अरे बाप रे, मुझे तो थोड़ी देर के लिए ये लग रहा है कि मैं लद्दाख पे आ चुका हूँ। इतना ज़्यादा ऑफ रोड, वो भी कीचड़ के साथ,
एक्स्ट्रा ग्रेवी देके। सो फाइनली गाइस, इतने समय से राइड करने के बाद अभी हम लोग भाई पहुंच चुके हैं हमारे रूम पे। और गाइस रूम पे आने के बाद भाई डिनर भी पूरा एकदम से कंप्लीट हो चुका है, मतलब हम लोगों के गोप्रो में एकदम से चार्ज पूरा एकदम से खत्म हो चुका था। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मुझे पता है कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि ये मेरा सब्सक्राइब ठोको 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 जल्दी ठोको ठोक दो भाई ठोक दो ये भाई बोल रहा है तो